book Arrival of the Monsoon. Taufiq Rafat is a Pakistani poet who has written so many poems in English in which he exhibits local fauna and flora, local traditions, local folklore, and so many cultural and linguistic aspects. He exhibits or showcases through his poetry. Wedding in the Flood is one of those poems which also express the same fauna and flora and other tendencies which Taufiq Rafat usually expresses in his poems. Fauna, Wedding in the Flood jo hai wo ek waisi hi poem hai jaise ki baki Taufiq Rafat ki poems hain aur unme wahi jo cultural death wala jaisa ki uske aapko haan bada ek theme popular theme milega jo Punjabi dehati culture hai Pakistani side ka wo yahan ki jo superstitions hain rituals hain jaisa ki shaadi ek bada hamara ek event hota hai hamare culture ke andar Punjabi culture ke andar uske upar rasoomat wagaira phir uske sath logon ke jude hue beliefs aur us waqt ki expectations aur sath mein logon ke jo mukhtalif qisam ke us waqt ki keh lein ke us society ke andar wo mores jo hain jo ke shared belief ke andar aati hain unko express karta hai Taufiq Rafat ko ek credit ye bhi jata hai ki Taufiq Rafat ne Pakistani idiom create kiya ya usko popularize kiya to jo ban jata hai Pakistani idiom ye kya hai Pakistani idiom se murad wo baatein jo ke Pakistani aur specifically Pakistani Punjabi culture ke andar jo idioms hain jinki keh le ke wisdom jo in depth jo understanding hai Pakistani Punjabi ek reader ko to bade aaram se aati hai baatein samajh aa jati hai lekin jab ye conceit ya ye idioms jab wo chip in karta hai apni poetry mein Taufiq Rafat to fir uska ek jo outsider hai ya keh le ke नॉन पाकिस्तानी रीडर है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे क्या असरात हैं उसके क्या वो उसको पूरी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट होती है कि जैसे वो आइडिया लेके आया है या फिर उस उल्टा उस बात को समझने के से वो कैसे रहता है बहरहाल हमें इसकी पोएट्री इज रिप्लीट विद सच पाकिस्तानी इडियम्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेडिंग सेरेमनी इन पाकिस्तानी लोकल रस्टिक कल्चर तो ये जो पोएम है ये इसके हम एक जो इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन्स हम वही पढ़ेंगे बाकी आप देख लें खुद से दे आर टेकिंग माई गर्ल अवे फॉर एवर सोब्स द ब्राइड्स मदर एज द प्रोसेशन फ्रॉम फॉर्म स्लोली टू द वाइन ऑफ द क्लैरिनेट ये भी है आप देखें ना कि लोकल इमेज और सीन आपके सामने आता है जिसमें शादी के ऊपर कौन सा टाइम है मे सेरेमनी में रुखसती का टाइम है डिपार्चर यानी कि दुल्हन जाने लगी बाराती चलने लगे हैं और उसको उस वक्त उसकी माँ बीवेव करती है बीमोन करती है एक तरह से दे आर टेकिंग माई गर्ल अवे फॉर एवर मेरी धी नू लै चले पके पके या हमेशा वास्ते हमारे आपने सुने भी होंगे सॉन्ग भी ना वो कि साढ़ा चिड़िया का चंबा बाबुल असी उड़ जाना और क्या था ऐसा करके और मुझे सॉन्ग याद आ रहा था वो पंजाबी था खैर वो ऐसे सॉन्ग्स जो हैं वो डीपली सीप्ड हैं हमारे कल्चर अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि लड़कियों ने जैसे पराया धन कहते हैं यानी कि बेटी जो है वो एक पराया धन है जी मतलब कि इसने जाना ही है उनका भी एक कॉन्शियस लेवल या एक बना होता है कहीं ना कहीं हमने जाना है कहाँ पे जाना है अपने हस्बैंड के घर चले जाना शादी के बाद और यहाँ पे सडनली द मदर रियलाइजेस दैट शी इज गोइंग फॉर एवर फर्स्ट शी वाज अंडर सम काइंड ऑफ पेन ऑफ बर्डन ऑफ हैविंग अ डॉटर इसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारे कल्चर जो कि पैट्रियार्कल कल्चर है इस कल्चर के अंदर एक लड़की जो है मुकम्मल तौर पर हम देहाती कल्चर की बात कर रहे हैं और ये 1960s 1780s की पोएम होगी उस जमाने को 90s तक आप रख रहे हैं 2000 तक जो कल्चर था ना पाकिस्तानी पंजाबी कल्चर या पूरे पाकिस्तान का कल्चर
वो यही था जो एक रेडिकल एक्सप्रेस चेंज आई है ना, ये तो बहुत अभी 2005 से ऑनवर्ड जो चेंज है वो और है, 10 से 15 तक और, अब कितनी रैपिड चेंजेस हैं। हमारा पैट्रियार्कल फैलोसेंट्रिक हमारा एक मुआशरा है जिसके अंदर एक लड़की की जो आइडियलनेस जो क्रिएट की जाती है, सुगड़ जिसे कहते हैं, स्मार्ट स्कूल फिनिशिंग हाउस वाइफ, एक सुगड़ जो लड़की है वो क्या है कि वो बड़ी शर्मीली सी है, वो इतनी तालीम इतनी खास नहीं है, उसने सिलाई कढ़ाई आती है, उसको खाना बनाता है, उसको अपने हस्बैंड को सर्व करना है, ये सारी चीज़ें, और उसने बोलना नहीं है उसे कोई बात, और वो रहमो करम पे एक तरह से माँ बाप के, माँ बाप ने यहाँ पर शादी कर दी, उसने चुपचाप वहाँ पर शादी करके चले जाना है। और फर्स्ट शी वॉज टाइड टू हर फादर, नाउ रेस्ट ऑफ द लाइफ शी विल बी टाइड टू हर हस्बैंड। अब उसकी सारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, डोमेस्टिसिटी है, बाप के बाद अब किसके हाथ में चली जाएगी, हस्बैंड के, और मुकम्मल तौर पर वो बेबस क्रिएचर के तौर पर दिखाई जाती है कि अब उसकी शादी से पहले माँ बाप को, ख़ास तौर पर माँ को फिक्र है, बेटी की शादी करनी है, रिश्ता ढूंढ रहा है, और फिर वो ढूंढ के शादी कर देंगे, उसके हस्बैंड उसको ले जाए, और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, जहेज देंगे उसको, ज़मीनों में हिस्सा नहीं देते हम लोग पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, नहीं देते, अब भी नहीं देते, अभी गवर्नमेंट इतनी सख्तियाँ की कि इसके बावजूद हम चोर रस्ते ढूंढते फिरते हैं, बहनों को बेटियों को हिस्सा नहीं देना, बस एक क्या करना है कि उसको जहेज दे के उसको फारिग कर देना। इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्रोल्ड हैं, वो बेबस है यहाँ पे, हेल्पलेस है, पैट्रियार्की के अंदर उसके ऊपर ऐसे ऐसे बना दी गई बातें, वो बात नहीं कर सकती उनके ऊपर अपने राइट्स के लिए, तो और बर्डन बना दिया गया उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटी आ गई, बेटी की क्यों टेंशन इतनी होती है कि पहले आप उसको इसको इतना मजबूर कर दिया, बेटी को वो मजबूरी में है, मजबूरी भी खुद से क्रिएट की गई है, और उसके ऊपर उसको बोझ भी समझना शुरू कर देना, भाइयों को भी तेरी भैन आ, तेरी माँ आ, तेरा तेरी धीया, ये सारे बच्चे जिम्मेदारियों को फारग होना, अब उसको उतनी की आज़ादी तो दे ना, अपनी जिम्मेदारी जरूरी, तो शादी की चॉइस ही आज़ादी होती है, और बहुत कुछ भी आज़ादी में आता है, वो नहीं देनी, और उसको अपना बोझ, और उनको भी ये इंटरनलाइज कर दी गई ये बात, कौन सी कि आप एक बोझ हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, भाई के ऊपर, बाप के ऊपर, तो वो भी उनकी तरफ देखती हैं, हो रहा है, तो सडनली शी रियलाइजेस, यानी पहले एक सेंस ऑफ बर्डन है शादी से पहले तक कि यार इसकी शादी करनी है, ऐसे नहीं कहते हैं हमारे यहाँ कि बेटी पैदा होते साथ ही क्या जाता है माँ बाप की एक जिम्मेदारी शुरू हो गई, ये वो सारा कुछ। अब देखें कि उसको शादी का कह दिया गया, शादी हुई, पहले टेंशन में थी, अब किसी तरह से जान छूट जाए, शादी हो गई, सडनली अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दैट शी इज़ गोइंग फॉर एवर, होता है माँ को भी फिर आएगा कि मेरी बेटी जाने लगी है, तो अब जाके वो सेंस ऑफ बर्डन से निकली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सडनली शी रियलाइजेस हर एब्सेंस दैट इज गोइंग टू प्रिवेल फॉर एवर नाउ दैट शी नो मोर बी अ पार्ट ऑफ दिस हाउस होल्ड, सही है, तो शी सेज दियार लै चले बाबला तेरी धी नू, इदा दलां जो होंगे इस मौके पर, आप देखते हैं हमारे ये कल्चर का हिस्सा ऐसे मौके, हालांकि पहले आखिरी लम्हे तक बड़ी हंसी खुशी बातें हो रही, अचानक चिंता आया, रोना भी है, रोना पड़ना हूँ चेता गई, वो मेरी धी चली, पहले जो पुराना खाना खाधा तू किया सलामियाँ पै गई, आह दिखा दो जोड़े दिखा दो, हूँ चेता आ गई, वो साड़ी धी चली, सडनली शी, ऐसा ही आप, ये सिर्फ शादी का मसला नहीं, ये पाकिस्तानी कल्चर है पंजाबी, आपको जनाजों के मौकों पर भी मिलेगा, अच्छी खासी औरतें बातें वहाँ पर कर रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं कुछ ना कुछ आयात वगैरह, जैसे ही जनाजा उठाने लगे दोबारा से एक दफ़ा से चीखों का एक आपको शोर सुनेगा स्ट्रॉन्ग ऑफ स्पीक्स, कि वो उस वक्त बोलेगा, अच्छा एक तरह पढ़ना आयात पढ़े कुरान शरीफ पढ़े या कुछ भी दुरूद शरीफ, दूसरी तरफ आपको एक लोकल किस्म के भी सॉन्ग्स टाइप दौड़े माइए भी मिलेंगे जो उस वक्त भी पढ़े जाते हैं, जा रहे हो फलां है ये है वो है सारा कुछ, सो शी सडनली रियलाइजेस दैट शी हर गर्ल हर डॉटर इज गोइंग फॉर एवर नो मोर बी अ पार्ट ऑफ दिस हाउस होल्ड अगेन, जैसे ये भी एक हमारे चूँकि हम हिंदू कल्चर से हैं, सोसाइटी हमारी कौन सी है, अक्सर हम बातें करते होते हैं कि हमारी सोसाइटी कौन सी है, हिंदू जी, और उसके अंदर हम हमारा मज़हब कौन सा है, मुसलमान हम हैं, तो हम हिंदी मुसलमान हैं, हमारी जो मुआशरत है वो हिंदुआना है, उसके अंदर जो हमारा मज़हब है वो कौन सा है, मुसलमान है, हम इस्लाम है, तो हमने कई चीज़ों को इस्लामाइज कर लिया, कई चीज़ों को रहने दिए, तो हम उस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सही है, तो
ये क्या है कि वो जाने लगे उसकी माँ रोना शुरू हो जाती है, फिर एक मदर डॉटर रिलेशन वाला भी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वॉइस इज ऑफ मदर्स वॉइस हियर इन द पोएम। दिस पोएम ओपन्स विद अ नैरेटर। नैरेटर कौन है यहाँ पे? मदर। मदर्स वॉइस है फर्स्ट जो है। अगर आप ये कहेंगे फर्स्ट वॉइस कौन सी है इसके अंदर, तो वो मदर्स वॉइस है। मदर एज अ प्रोसेशन, प्रोसेशन फॉर्म्स स्लोली टू द वाइन ऑफ द क्लैरिनेट। प्रोसेशन कौन सा होता है? जनाजे का भी हम मीनिंग ले सकते हैं जी, ठीक है ना। A sense of burden is there, a sense of responsibility is there. A responsibility must be get rid of वाली है, जान छुड़ानी है इस काम से ना, एक जिम्मेदारी उससे जान छुड़ानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके ऊपर बड़ा बोझ है, लेकिन आपको अमूमन ये चीज़ें फेलोसेंट्रिक और पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर मिलेंगी। तो प्रोसेशन जब वो जाने लगते हैं, जाने का आप, अगर आप उसको अगली लाइन के साथ मिलान, जब वो क्लैरिनेट बजा, वो जो थी शहनाई वगैरह, जाने का एक कह लें कि वो बिगल या कोई भी ऐसा जो भी बजाया गया, बिगल तो नहीं कहेंगे वो, एक कि हम अब जाने लगे बारात वापस, तो उसकी चीख के साथ किसकी चीख मिल गई है? नॉर्मली दिस क्लैरिनेट इज अ साइन ऑफ ऑफ हैप्पीनेस, but there is also a sense of grief and pain that is associated with this tone of clarinet, because clarinet has a kind of sound which creates some shrieks and sense of grief. This sense of grief signifies the sense the grief of the mother of the bride. Wo uska jo mother ka jo ek grief hai usko ye keh rahi hai, इसकी आवाज़ को हिरन की आवाज़ के साथ भी वो एसोसिएट करते हैं कि वैसी तकलीफ जो है उसको करती है। नॉर्मली शहनाई किसका हमारे अब साइन जो बन चुका है शादी का, ठीक है, तो खुशी का। जब वो जाने लगे, प्रोसेशन स्टार्ट्स टू डिपार्ट, द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन फॉर द मदर ऑफ द ब्राइड, शी स्टार्ट्स वीपिंग, शी स्टार्ट्स क्राइंग, दे आर गोइंग फॉर एवर। होता ना वो, जैसे आपने माई टेलर पढ़ा था, how many years that he used to go there? 30 years. How many years, sir? 30 years. 30 years. Quite a time it is. जी. तो उसने उसको ही modern समझ लिया था, जैसे समझा। Still, when he was shocked on hearing the news that he is no more in this world, same is the shock. Although she knows this, she schools, she harbors, her mother harbors this conscious that one day she is to depart, hai na? There still she feels that pain again. Usko sense of grief wahan pe maujood hai. Halanki pehle din se maa ne jodna shuru kar diya hoga iske liye jahez ka samaan. Normally chuki hum ye bada hi low middle class gharane ki shaadi dikhai ja rahi hai, aur ek bade hi backward ilake ki shaadi, jhelum ki side ki shaadi hai. चूंकि वो खुद भी उस इलाके के ना, सियालकोट झेलम इलाका था, वहां उस तरह का सारा कुछ ही है, पहाड़ी इलाका है। तो जब जाने लगते तो रोती है। फ्रा शिवाज़ा शायबान अपनी बेटी की बड़ी शर्मीली सी, मासूम सी थी, कभी घर से बाहर ही निकली थी। शायनेस का मतलब ये नहीं लेंगे शर्मीली, यहाँ पे हम लेंगे नाइव, नाइव भोली, मासूम इन अ सेंस कि वो, शी इज़ नॉट स्मार्ट इन सोशल मैटर्स, शी वॉज नॉट अ सोशल गर्ल, सोशली वो एक्टिव नहीं थी। शी वॉज क्वाइट स्मार्ट इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज और हाउस होल्ड चोर्स, बट नॉट इन सोशल इंटरेक्शन। वो एक अपने घर से कोई बाहर ही नहीं गई। देख रहे हैं कैसा एक हमारे कल्चर का है कि एक लड़की है वो कभी घर से बाहर नहीं गई, इतने रिश्तेदारों की तरफ चले गए, जैसे शादी पे गए वो साथ ही वापस आ गए, और आज वो मुकम्मल या किसी गैर मर्द से मुखातब नहीं हुई होगी। आज उसको एक गैर मर्द के साथ आप रुखसत कर रहे हैं हमेशा के लिए, एक पूर, और उसने वहीं पर रहना लोगों के अंदर। हाउ शी विल शी बी एबल टू इंटरेक्ट एंड डील विद दोज पीपल, क्वाइट न्यू पीपल, चाहे जानते भी इस तरह में, एक मुकम्मल तौर पर एक बंदा है आपको यहाँ से उठा के हम रख दें किसी ऐसे सिस्टम जहाँ पे आप पहले गए नहीं, आपको इतनी टेंशन खा लगे, आप घूमते फिरते रहते हैं, हेजिटेशन होती है ना सारा कुछ, उसको एक सिस्टम से उठा के एक नए सिस्टम में रख रहे हैं, तो वो कैसे? शायनेस इज अ कर्स दैट वाज इम्पोज्ड अपॉन
are females in Pakistan in this subcontinental culture. मर्दों का सबसे बड़ा जो एक जुल्म है ना औरत का, उसके साथ शर्मो है या को वस्ता कर देना, उसका वस्ता करके ऐसा उनको रगड़ा दिया है ना, या वो इस शर्मो है या के चक्कर में वो कुर्बानियां दे रही हैं कि जो नहीं कहते थे वो हमने वो भी पता नहीं वो रंजू उठाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे, तो ये भी शर्मो है या के चक्कर में वही कुछ करवा जाता है। तो क्या एक एट्रीब्यूट दे दिया गया शायनेस, शायनेस का मतलब कि वो सोशली नाइव, सोशली इनएक्टिव, आइडल एक खातून है, उसको अकल, उसके दिमाग को चलने नहीं दिया गया, दिमाग बंद कर दिया गया, दौलेशा के चूहे बना दिए गए, जैसे उनके दिमाग रोक दिए जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर तालियां बजाई जाती हैं, देखो जी कितनी मासूम, उसको पता ही नहीं, आप उसको बुद्धू एक बना कर रख दिया कि इंसान को ज़ाया कर दिया और उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और वो भी इसे सेलिब्रेशन करने से रहते हैं, वो तो खवातीन कह रही होती हैं कि मैं बड़ी मासूम हूँ, बड़ी शायन। तो शायनेस इज नॉट अ एट्रीब्यूट और की कहते हैं खूबी नहीं हुई है। How will she fare in that cold house among these strangers? अब क्या है इसको? आप एक इम्तहान गाह में भेज रहे हैं, चलिए बास्केटबॉल का ही एक आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसके लिए बंदा आपने भेज दिया कि तुमने वहाँ पे जाकर चैम्पियनशिप में हिस्सा लेना है, और चैम्पियनशिप हो रही है कह लेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं बड़े लेवल पे नहीं जाता, तो उसकी प्रैक्टिस सारी कौन सी करवाई हुई आपने, करते करवाई हुई जी, तो और उसके बाद कहते अब उसको जब उसको भेजा जा रहा है मैच में खेले गए होने लगा कुत्ते तो ला दिया रखा थे फलान टमकान इन चीज़ों कोई फ़ायदा नहीं हो, वहाँ पे आप उसकी तरबियत करें, तरबियत क्या की जा रही होती है, माँ बाप माएँ बच्चों को बेटियों को ये भी ताने देती हैं कि जो मौज का नहीं थे कल तो अगले घर जा गए लबड़ी मौज, यानी एक सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी क्रिएट की जा रही है पहले से, और साथ में ये भी कहा जा रहा होता है कि आपने जनाबे आली क्या करना वहाँ पर जाके खिदमत करनी है, यू आर नॉट गोइंग टू वेड अ गर्ल, यू आर गोइंग टू हायर अ अनपेड सर्वेंट, और अनपेड सर्वेंट आप लेने आए हुए हैं उसको ले लिया हूँ तेरी तो लाश ही वापस आ गए उस चौक पर, तो ये दिस इज हिंदी कल्चर नॉट पाकिस्तानी और दिस इज नॉट मुस्लिम कल्चर, तो यहाँ पे अब उसको जो दिया जाता है जहेज डॉरी, डॉरी साथ में ये भी सिंबलाइज करती है, सिग्निफाई करती है चीज कि जो तेरा बनता सरदा सी दे देता हूँ तू साढ़े वाल नहीं देखना, अब हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं इन चीज़ों के, अब इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, वो जो बंदा तुम्हारा जो तुम्हारा हस्बैंड है वो देखेंगे, आप देखेंगे खवातीन जो फिर अपने हाउस होल्ड्स के अंदर इन लॉज के अंदर जाके जो जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही होती है, इसलिए नहीं कि उनको अल्लाह ताला को सब्र अय्यूब अता किया होता है, वो इसलिए बर्दाश्त कर रही होती है, उनको पीछे नज़र नहीं आता कोई कि हमारे घर में पीछे से कोई हमारा सपोर्ट, और उसके बाद अगर वो डाइवोर्स की तरफ जाए पर्स की गोज फॉर डाइवोर्स वट वुड हैपन मिया टेल मी, अनदर शेम विल बी एसोसिएटेड टू दैट गर्ल्स कैरेक्टर जी, दिस इज डाइवोर्स्ड वीमेन, और डाइवोर्स कितनी बड़ी गाली बना दी गई, हालांकि ये सहूलत है कौन लेना चाहता है, मामला खराब हो जो और खुला का मुतालबा करके तंग होगी कोई मसला, लेकिन एक तो मुतलका जो औरत है उससे भी शादी नहीं करेगा, और वो उसके हस्बैंड ने तलाक दी है जब खुद इसने ली हो, हस्बैंड ने दी तो कोई और बात है, अगर खुद औरत किसी खुला देती है अपने हस्बैंड के मामले की वजह से किसी वजह से, तो उसको अब करेक्टर भी खराब हो गया था जी, तो काम हो गया खराब सारे, तो वो मुकम्मल तौर पर आपने उसको क्या कर दिया, वो बांध दिया उसके अंदर, सर वो क्या शेर है कि मन बंदम तख्ता दारम करदाई ना किसरा बाद भी कोई होशियार बाश दर मकुन होशियार बाश, ऐसे करके है अगर नहीं याद है उसका तर्जुमा ये याद है कि मुझे रस्सी से बांध के तख्ते पे तख्ते के साथ और दरिया के सुपुर्द कर दिया और बाद में आवाज दी कि तर्मकुन होशियार बाश, ये तो पता है ना कि तुम्हारा तन खुश्क रहे, इस बात का भी ख्याल रखना, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड उसकी एक एग्जिस्टेंस है और उसके बाद भी ना हक उस मजबूर पर तोहमत है मुख्तारी, इतनी कंट्रोल्ड और टेम्ड कहने के एग्जिस्टेंस के बाद भी इल्जाम उसके ऊपर आएगा, उसी के ऊपर आएगा इस फेलोसेंट्रिक या पैट्रियार्कल के अंदर, how she will fear in that cold house among these strangers, ab usko bade khayal aa rahe hain aakhri time pe jaake,
दिस हैज बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट डे. सारा दिन की जिम्मेदारी याद है ना, सुबह से बेचारी लगी हुई. लेकिन सर माँ भी तो सोसाइटी की एक लड़की है ना, माँ वो मजबूर है. वो भी माँ एक इंस्ट्रूमेंट और टूल है फेलोसेंट्रिक और पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर. वो एक ऐसा टूल है जो कि अपने बच्चों को मेल सेंट्रिक जितनी भी एजुकेशन है उसको इंटरनलाइज करने में काम मावन आता है, होता है. माएँ बेटियों को सिखाती हैं तुमने ऐसे बैठना, तुमने ऐसे उठना है, तुम्हारा अब्बा आएगा, तुमने ये करना, भाई आएगा ऐसा कर हस्बैंड के सामने. और सबसे बड़ी बात कि बेटी अपनी माँ को देखती है अपने अब्बे के साथ एटीट्यूड उसका, वो चीज़ें लर्न करती है, वो अनकॉन्शियसली एक्विजिशन है ना उसकी. वो अनकॉन्शियस एक्विजिशन जो है बच्ची की, वो उसको समझा रही होती है, इंटरनलाइज करवा रही होती चीज़ें कि माँ ने हमेशा, बीवी ने अपने हस्बैंड की माननी है. माँ ने कोई मसला नहीं इसके अंदर. मसला यहाँ पे है कि जो इंतहा दर्जे का सर्विट्यूड उसके अंदर क्रिएट किया जाएगा दैट इज अननेसेसरी. और वो अननेसेसरी जो है उसके ऊपर माएँ. फिर उसके बाद ये है कि जो सुगड़ का एक क्या है, क्यों भाई सुगड़ की डेफिनेशन क्या है? वो जो घरेलू से खामत की खिदमत करती हो, मजाजी खुदा समझती और अपने सास ससुर की नो हाउ टू सर्व हर हस्बैंड एंड इवन द रिलेटिव्स पेरेंट्स और अदर जितने भी उसके हैं वो सारों को सर्व करना जानती हो. बोले ना बात ना करे, घर के काम कर, सुबह उठे. हमारा हमारे जो पंजाबी हाउस होल्ड है देहातों का, तो सुबह 5 बजे खवातीन उठती थी, वो दूध धोना, दूध धोने के बाद उसको बुलाना सारा, उसको उसका मक्खन लस्सी तैयार करनी जो भी चाटी में, वो पुराने जमाने में तो वो भी होती ना जो जी मदानियाँ ऐसे वाले, बाद में इलेक्ट्रिक मदानी के बाद. अच्छा इलेक्ट्रिक के साथ उसका कोई काम कम नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक के साथ बन गया कि इलेक्ट्रिक लगा के आपने बाकी जो गैसों बैंसों को और सफाई सफाई काम उसी वक्त शुरू कर देना. फिर मर्द हजरात ने जाना होता है मुरब्बों को डेरों पे, खेतों पे काम करने के लिए, उनको खाना वाना तैयार करके देना है, उनको बेच के सफाई करके दोपहर का खाना खाना शुरू कर तैयार करना शुरू कर देना. यही है ना जी. तो ये कोई एक बड़ी अचंभे की बात नहीं, अगर कोई इस बंदा इस बात से अपनी आप को आंख बंद करना चाहता तो लहरा बात है. ये हर जगह पे हो रहा है, गाँव साइड पे या और शहरों की जिंदगी उसके अकॉर्डिंग है. वो तो गाँव की है ना, शहर में शहर वाले भी लोग हमारे जितना भी 90% मोर देन 90% जितने भी लोग हैं हमारे शहरों में, वो क्या किसी ना किसी गांव से वाबस्ता है, उधर से आए हुए ना उठे. हमारे शहर तो वही है जो बड़े चांदे के, उसके बाद कितने लोग हैं जो बाकी इधर से आए हुए हैं. तो खैर, तो अब उसको है कि स्ट्रेंजर्स, ये हमारा टिपिकल यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि इन लॉज को क्या समझा जाता है कि वो स्ट्रेंजर्स है. चांदे ही रूह होंगी दिलों चांदा कबूल कर बाकी सारे लोग नहीं कहते थे कि ये अजनबी ने सौरे गए. हालांकि ये बात हर को पता है कि अ गर्ल इज द रियल ऑनर ऑफ द हाउस, जो ब्याह के जाती है बहू, जिसने बेटी वहां पे वो चली, वो कहेगी मेरा घर वो उसके लिए तुम्हारा घर वो है तुम्हारे उधर है, या आपस में लड़ाई में जो हमारी टिपिकल सास की ससुर की और क्या होती है नंदों की बहनों सास वो वाली है. दिस हैज बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट डे. माँ ने काम किया ना सारा दिन, सुबह से मेहमानों को देख रही होगी, और हमारे मेल आने का भी एक रिवाज होता था. फिर इसमें घरों में आते थे क्या इनको कहते हैं, मेल कहते थे इनको, रिश्तेदार आते थे शादियों से पहले. ट्रांसपोर्टेशन का मामला भी ऐसे थे, घर भी बड़े हुआ करते थे तो रिश्तेदार 2-3 दिन पहले आना शुरू हो जाते थे. अब रिश्तेदारों को पूरे गाँव के जो गलियाँ मोहल्ले होते थे ना, जो मतलब हमारा घर खर्च किया जहाँ पे, तो हमारे घर में मेहमान आना शुरू हो गए, मेहमानों के लिए बिस्तर कम पड़ गए, चारपाइयाँ वगैरह, तो फिर साथ वाले घरों से चलते, फिर साथ घरों में से दूध भी आते थे जी. ये एक बड़ा अच्छा कल्चर भी था ना, ये अच्छा भी है बुरा. हम ये मसला नहीं कि वी ऑलवेज गो टू कर्स और क्रिटिसाइज आर ओन कल्चर, देर आर सो मैनी गुड थिंग्स अबाउट आवर कल्चर टू. लेकिन वो फिर दूध ले दे के आना, किसी रोटियाँ पकवानी, लोगों ने साथ काम करवाना, मिलजुल के सारा कुछ होता था, ये शेयर्ड होता था कुछ. तो वो माँ जो है वो सुबह सुबह उठ के मेहमानों को नाश्ता वगैरह करवाया हुआ जो घर में आए हुए. अब तो आते ना सारे शादी हॉल्स पे आते हैं, वहीं से गए और अटेंड किए चले गए, आप वैसे के वैसे घर में कोई मामला नहीं है. तो पहले घरों में वो जो नाई हजरात होते थे वो, अरे कुकिंग भी वो उधर ही करवाते थे सारे मामला. तो माँ एक बिजी होती होगी ना उस वक्त में सबसे ज़्यादा घर के मामले इधर उधर का. द रेन नियरली रूम्ड एवरीथिंग. रेन, रेन क्या है, नेचर को एक्सप्रेस करती है, सिंबलाइज करती है. और यहाँ पर नेचर जो है इट्स वेरी हार्श, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ अपर पंजाब वेयर दे दीज पीपल
to these people live ye kaun se log hain tum log keh raha hu ye jidhar ke culture ko ye represent kar rahi hai poem ab ye jhelum ki side ka upper punjab culture hai aur wahan ke kya hai ke barishain aayi rehti hain darya bhi aapko iske andar zikr milega ji darya barish aur ye mausam hum zimmedar log hain to hum apni takreebat ka mamlaat ka ख्याल मौसम के हिसाब से बहुत रखेंगे आजकल कौन सा मौसम बवाई का कटाई का कौन सा मौसम इसमें क्या करना है आजकल में क्या नहीं करना तो ये सारी चीज़ें तो रेन और एक मुकम्मल तौर पर वो किसके रहमो करम पे होते हैं ये लोग मौसम के उनके तो सब्र भी होता है ना कि आपने एक चीज़ की बवाई कर दी या उसके बाद आप उसको सींचना शुरू कर देते हैं उसके एक टाइम पर जा गा के करते हैं हाँ तो बात है रेन र्यूंड nearly ruined everything and but the crucial time when launch when lunch was ready khane time pe barish ho gayi it mercifully stopped lekin nahi khane time barish ruk gayi mercifully khuda ki rehmat dekho ki jab jis time pe honi thi khana sir khana us usko daran bol deti hai barish band ho gayi ab ye dekhe khana bhi diya jata culture ki baat ho gayi na phir dobara se इट्स ड्रिजलिंग अगेन अब दोबारा से रुखसती का टाइम है जैसे उसकी रुखसती में अब ये बात भी फजूल सी जोड़ सकते कि मां रो रही है और साथ में आसमान भी रो रहा है और लेके लड़के भी रो रहे हैं सबका दुख बांटा गया यहाँ पे ना वो तो कह सकते ना आशिक कोई अगर फर्ज किया कोई ऐसा हो ज्यादा देखो यार मेरा ब्याह हुआ चलो जी ना बारिश रो रहा है मेरे दुख में नेचर भी रो रही है हाँ जी As they helped the bride into the palanquin, इसने palanquin कहा है palanquin जो होती है पालकी, another culture. और ये सारा जो culture है हम इसके ऊपर आखिर पे बात करेंगे इस culture के बारे में. All of the culture that he displays in this poem has long been eroded, खत्म हो चुका. अब कहाँ पे आपने मैंने तो अपनी जिंदगी में अब तक वैसे मेरी भी 35-36-37 साल उम्र हो गई है मैं नहीं पालकी वाली कोई बरात देखी देखी तुझे तुम बड़ी मजा लगता मेरे तो नहीं नहीं देखी देखा सर से पूछ ले सर जी तुझे इतनी देखी ऐसे तो मिर्जा गालिब की पालकी सुनी है जब बैठ जाता था जी तो पालकियां होती थी मैं कल ये थोड़े से पहले कल्चर की बात होगी हमारी वालदैन की शादियों से पहले के कल्चर होंगे यहाँ पे तो वो 1950-60 हाँ जी हाँ जी तब तक ये खत्म हो चुका है बात और दूसरी ये थी कि जो पालकी थी इसमें बड़े नवाब जो लोग थे वो भी शहर में घूमने फिरने के लिए अपने जो उनके मुलाजमीन या गुलाम जो भी हुए होते थे लोग वो उनको उसी में बिठा के लेके जाते थे जैसा कि हमने मैं आपको बात कर रहा था अभी मिर्जा गालिब की तो पालकी में आपको याद है मिर्जा गालिब ने कर्जा जब पेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था अंग्रेज़ों के तो जनाब उनको बुलावा आया ना कि आए आपका कोई पेंशन का करेंगे केस जब हिसाब किताब जो भी उसका गुजारा करना खर्चा लगाना जनाब पालकी बह गए कर्जा लेना है जनाब वही ना जैसे हमारे गवर्नमेंट वाले बेहतरीन किस्म के वहाँ पे होटल्स लेंगे अमेरिका में जाएंगे बेहतरीन किस्म के जहाज अपने लेके जाएंगे सारा कुछ कपड़े बेहतरीन वो जो देने वाला होता है IMF वाला या इधर उधर का वो बंदा बड़े नॉर्मल से जैसे कपड़ों में बैठा है और आम हालात में वो मांगने वाले बड़े तगड़े तरीके से मांग रहे हैं उसको समझ नहीं आ रही कंफ्यूज कि मैं इनसे लेने आया हूँ इसे ले आया हूँ तो मिर्जा साहब भी ऐसे गए थे नशे नहीं है तो ये क्या कह रहा है तो प्लैंक्विन में जब बिठाने लगे ना उसको दुल्हन को स्टार्स ड्रिजलिंग अगेन दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है तो प्लैंक्विन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर आर फॉरगॉटन कल्चर तो वो जो फॉरगॉटन कल्चर है हमारा उसका एक हिस्सा है प्लैंक्विन के लड़की को पालकी में बिठा के लेके जाया जाता था अपने ससुराल तक और उस प्लैंक्विन को कौन उठाता था पालकी को 2-3 मर्द होते चार वाली डंडों वाली होती थी जैसे जी वो जिसमें दो एक इधर के साइड पर डंडा से लगा होता था दूसरी साइड को बांध सा और इसमें दो बंदे पीछे और दो आगे दरमियान में खातून बैठी है और ये जो बड़े बूढ़े हैं वो ये भी बताते हैं कि पुराना दिल्ली का जो कल्चर था हमारा जो उत्तर प्रदेशी कल्चर उर्दू वाला कल्चर जो है वहाँ पर ये भी किया जाता था कि हमारे यहाँ का ये ना खबासत है औरतों को चूँकि पर्दा एक और इस तरह से नाफज किया गया कि अब उनके साथ ना फिर इंसान की जो लस्ट के अंदाज है वो भी बदल जाते हैं कि जब खवातीन को मूव करवाना होता था ना एक जगह दूसरी जगह जाना होता था तो उन्होंने तो फिर उनको क्या करते पालकी में बिठा के ले जाते थे
پردے میں بند سا ڈبا سا, تو پھر لوگ حساب لگا لیتے تھے وزن سے کہ کڑی کی تنگی ہو گئی جی بال کے اٹھانے والے آگے تک لے جاتے تھے جی. تو پھر پھر جب اٹھانے والوں کی اپنی بیٹیاں کو جب ان کو بھیجنا پڑا, ان کو پھر ان کو جیسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں گھروں میں بھائی بڑے سخت ہوتے, تھوڑا بھائی بڑا سخت ہوا سن فیس بک نہیں چلاؤں ہوتا پڑھا رہا جی, وہ سب سے زیادہ کمینہ آدمی ہوتا ہے, اس لیے اس کو پتا ہوتا پہلے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یا اس کا مطلب اگر آپ کا بھائی آپ کو فیس بک نہیں چلانے دیتا نا, آن کر دیتا ہے, ٹویٹر نہیں آن کرنے دیتا, ٹک ٹاک نہیں کرنے دیتا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے جی. اس لیے اس کو شک ہے کہ میری بہن کرے گی تو وہ بھی غلط ہی کرے گی, اس کے ذہن اس کے نزدیک اس کا استعمال غلط ہی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بہن کو اجازت دے رہا ہے ان چیزوں کی اس کو پرواہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بغیر ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی اچھا ہے, اس کے نزدیک اس کا یوز پازیٹیو ہے. تو بہنوں کو اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ساڈا بھرا بڑا چنگا بچارا فیس بک پہ چلاؤ کر رہا ہے, کوئی کتنا سلامی پائی, ایسی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے جب وہ حساب لگا لیتے تھے نا لوگ, پھر انہوں نے ایک نیا سسٹم تیار کیا. پھر وہ جب خواتین جاتی تھیں تو ان کے جو پالکی ہوتی تھی اس کے اندر پتھر وغیرہ رکھ دیتے تھے تاکہ مزہ کا اندازہ نہ ہو اوپر نیچے کر. تو یہ ایک تو تھی پہلے اچھائی, ایک شان و شوکت کی نشانی پالکی. پھر یہ مخصوص ہوگی کس کے لیے؟ شادیوں کے لیے. اب شادیوں سے بھی ختم ہو چکے سسٹم جو ہے, اب گاڑیاں چڑھ گئی. تو پلینک پین میں جب بٹھا کے کیا کہتے ہیں, گرل ہیز بین لکنگ ٹو مینی پاٹس, دس از پاکستانی ایڈیم. دا گرل ہیز بین لکنگ ٹو مینی پاٹس, تو یہ ایک پاکستانی کلچر کے اندر یہ بات ہے کہ لڑکا یا لڑکی, جہاں پہ لڑکی کے بارے میں بات کی گئی ہے, مطلب لڑکی کی سائڈ پہ لڑکے کو چھیڑتے ہوں یا کہتے ہوں گے, یہ ایک مذاق کی بات ہے جی. کہ دا گرل ہیز بین لکنگ ٹو مینی پاٹس, کڑی جڑی ہے نا بڑے بھانڈے چٹتی رہی ہے, وہ اسپیشلی وہ ہانڈیاں ان کی کچھوں کی اور ہانڈیوں کی بات کرتے, چاٹیاں تو بھی کہتے تھے, بڑی بڑی چاٹیاں ہوتی تھیں جیسے پتیلے ہوتے ہیں, مٹی کے برتن چاٹتی رہی ہے. اس کا مطلب جو بچپن میں ایسا کرتا رہا ہوگا وہ کیا ہوگا جب اس کی شادی ہوگی اس روز بارش ہوگی. ہم نے تو یہ سنا ہوگا نا گاؤں سانگ, ایک لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے بارش ہوتی ہے, جب وہ ہنستی ہے بارش ہوتی ہے. تو جو جس کی شادی پہ بارش ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچپن میں, یہ ایک پاکستانی ایڈیم ہے, ایک مذاق کے طور پر ہے. لیکن اس کو آگے جا کے اس جو سپرسٹیشنز ہوتی ہیں اس طرح کی فضول قسم کی باتیں, یہ کہیں مذاق میں جاتی ہیں, کئی دفعہ ویسا ہی ہو جاتا لوگوں نے سیریس ہی لا لیتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ایسی, دیکھا کم ہو گیا, ویسے ہی نہیں گئی ہوتی بات, لیکن بعد میں سیریس بھی لے جاتے ہیں لوگ اس کو. تو ٹو اسٹڈی, اچھا دوسرا پالکی پلینکون از ویری مچ آئیڈینٹیفائڈ دا وے اٹ از لفٹڈ بائی فور مین, اٹس ویری مچ آئیڈینٹیفائڈ ود دا پروسیشن آف ا فیونرل. فیونرل پروسیشن بھی تو ایسے چار بندے اٹھا کے لے کے جنازہ گھر سے رخصت کر دیا, اس کو رخصت کر دینا جنازہ, وہ والی سینس جی جی